So please come here. Let's continue. I can dress all by myself and pull off both my socks. Or जो भी ड्रेसेस होती हैं, ओके, यूनिफॉर्म्स लेकर कोई भी ड्रेस होती है इनकी, वो अपने से पहनती हैं, ओके, वो अपने से पहन सकती हैं. और एंड पुल अप बोथ माई सॉक्स, और दोनों सॉक्स को वो बहुत प्रॉपरली वो पहन सकती है. एज यू कैन सी, देखिए कितना अच्छे से सॉक्स को वो पहन के ऊपर, मतलब पुल अप करके वो अच्छे से पहनी है ना, तो सॉक्स को इसी तरह से पहना जाता है और अपने से वो सॉक्स को भी पहन लेती है, शूज़ को पहन लेती है, ओके, सॉक्स को अच्छे से पुल करके वो पहन लेती है. और ये सब वो अपने से वो कर पाती है. शी कैन डू दिस ऑल थिंग्स बाय हरसेल्फ. ओके, सो डियर चिल्ड्रेन, अभी आपके जो एज है उसके हिसाब से आप लोगों को भी बहुत सारे चीज आप लोग कर पाते हो. ओके, तो जो भी वर्क होती है, जो छोटी छोटी सिंपल सिंपल वर्क होती है, वो आप लोग भी एकदम से आपको लर्न करना है. ओके, जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, जैसे शू की लेस को टाई करना बहुत बच्चे को नहीं आती होंगे, तो प्लीज़ अपने शू लेसेस को टाई करना अभी समय है, आप लोग सीखिएगा इसको लर्न करना. ओके, अच्छे से ब्रश करना सीखिएगा और अपने हेयर को ब्रश करना. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हो है जो आप लोग कर पाते हो. ओके, पर आपको क्या करना है, बस उसको सीखनी है और उस काम को अपने से करना है. ओके, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने से वो सारे काम करना है जो आप लोग कर पाते हो, जो आप लोग कर सकते हो. ओके, तो डियर चिल्ड्रेन, इस पोएम में बस इतना ही बताया गया है. जैसे रीडिंग राइटिंग, रीडिंग तो अभी आप लोग ही ऑल आर लर्निंग, राइटिंग भी आप लोग लर्न ही कर रहे हो, है ना. So dear children, today's homework will be, you all are going to write this poem I can in your copy in a very good handwriting. Okay? अगर आप लोग ये पिक्चर बना सकते हो तो you can.